إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم
أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. अलम न जल्लहु ऐनैन, क्या हमने इसके लिए दो आँखें नहीं बनाईं? वलिसानं व शफतैन, और एक ज़बान और दो होंठ नहीं बनाए? वहदैनाहु नजदैन, और फिर इसे दो रास्तों की हिदायत नहीं दी? फलक़तहम अल-अक़बा, ये फिर भी मुश्किल घाटी पे नहीं चढ़ा? वमा अदराक मल अक़बा, आपको क्या ख़बर कि ये मुश्किल घाटी क्या है? फक्कु रक़बा, गर्दनों की आज़ादी? औ इत'आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या शदीद भूख के दिनों में खाना खिलाना? यतीमन ज़ा मक़रबा, या ऐसा यतीम जो उसका करीबी भी हो उसका ख़्याल रखना? औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबा, या ऐसा मिस्कीन कि जो ख़ाक में मिल चुका है? सुम्म कान मिनल लदीन आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिलमरहमा, फिर ये क्यों नहीं उन लोगों में से हुआ जो ईमान लाए, सब्र की तलकीन की और रहम की तलकीन की? उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही वो लोग हैं जिनको क़यामत वाले दिन नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। वल्लदीन कफरू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल मशअमा, वो लोग जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया इन्हें बाएं हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा। अलैहिम नारु मुक्सदा, इन पे एक ऐसी आग मुसल्लत की जाएगी जो हर तरफ से बंद कर दी गई होगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों, दुनिया के अंदर बसने वाले कुछ लोग वो होते हैं कि जिन्हें खालिक अर्ज़ो समा ने मुख्तलिफ़ नियमतों से नवाज रखा होता है। रब्बुल आलमीन ने उन्हें आँखें भी अता की होती हैं, रब्बुल आलमीन ने उन्हें सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान। अल्लाह की उन नियमतों में अल्लाह सुबहानहु व ताला ने उन्हें अपना घर भी दिया होता है। अल्लाह ने औलाद, आज़ादी, खाने पीने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहूलतें, आसाइशें, घर के अंदर सुबह करते हैं इस हालत में कि किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं, जिस्मानी तौर पर वो सेहतमंद हैं, अपने बीवी बच्चों में मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने इस तरह की नेमतों से नवाज रखा है। लेकिन मुआशरे में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो या तो पैदाइशी तौर पर ही कुछ नेमतों से महरूम होते हैं, पैदा हुए तो आँखों की नेमतों से महरूम, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते,
कुछ माजूर पैदा होते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अल्लाह ने नेमत दी होती है लेकिन बसा औकात अल्लाह वो नेमत दे के वापस ले लेते हैं। अपने घर में थे, अपने बच्चों में थे, अपने जानवरों और अपने माल मवेशी और अपनी ज़रात आज़ादी और खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे थे कि चंद लम्हों के अंदर अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, इंसान ये समझता है कि मेरे ऊपर शायद किसी की कोई कुदरत और ताकत नहीं। वो उस ज़ात को भूल बैठता है जो चंद लम्हों के अंदर ज़मीन को एक मामूली सा झटका दे और बड़े बड़े महल्लात को ज़मीन बोझ कर दे। वो पानी का चंद कतरात जिसके लिए बसा औकात इंसान तरस रहा होता है, वही पानी इस कदर हौलनाक और खौफनाक बन जाए कि गांव के गांव सफाई हस्ती से मिट जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नेमतों से महरूम होते हैं। नेमतें मिली नहीं या मिली थी अल्लाह ने ले ली। अब यहाँ उन लोगों की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जिनके पास ये नेमतें मौजूद हों, अल्लाह ने उनको इन नेमतों से नवाज रखा हो, अल्लाह सुबहानहू व तआला की इन नेमतों की कदर ये है, इन नेमतों का शुक्र ये है, अपने रब की पहचान ये है। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। ये मत भूलें कि वो भी हमारी तरह इंसान ही थे, हमारी तरह वो खुशहाल ही थे, हमारी तरह अपनी ही बीवी बच्चों में थे, अपने ही घरों के अंदर आराम और सुकून की नींद सोते थे। जब आजमाइश उन पे आ सकती है तो ये नेमत मेरे पास भी मुमकिन है सदाबहार ना हो। और वैसे भी दुनिया की हर नेमत वो आर्जी और फ़ानी है, अबदी नेमतें तो रब्बुल आलमीन ने जन्नत में रखी हैं। जहाँ सेहत आएगी तो कभी बीमारी नहीं, जहाँ जवानी आएगी तो कभी बुढ़ापा नहीं, जहाँ ज़िंदगी मिलेगी तो कभी मौत नहीं, जहाँ खुशी मिलेगी तो कभी गम नहीं, जहाँ इंसान की सारी आरजुएँ ख्वाहिशें और सब कुछ जो इंसान चाहेगा वो उसे वहाँ मिलेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में रखा है। दुनिया को जन्नत बनाने की इंसान जब फ़िक्र में लग जाए तो फिर वो अपने रब को भी भूल बैठता है, और बसा औकात तो वो ये भी भूल बैठता है कि मैं एक आर्जी और फ़ानी इंसान हूँ, मैंने भी इस दुनिया से जाना है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें हमा वक़्त यही फ़िक्र होती है, उन्हें ख़ुद गर्ज इंसान कहा जाता है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र, मुझे क्या फ़ायदा है, मेरी इससे क्या गर्ज है, मुझे इससे क्या लगे, मैं तो आराम से हूँ, मैं तो अपने घर में पुरसकून हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। बसा औकात एक किस्म के लोग वो होते हैं जिनको कोई परवाह नहीं उनके आस पास में क्या हो रहा है, उनके कुर्ब व जवार में दुनिया किस कैफियत में जी रही है उन्हें इससे कोई गरज नहीं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात की गरज होती है। और कुछ होते हैं उन्हें कहते हैं असीर अहलो अयाल, कि वो अपनी ज़ात से निकल कर अपने घर के हद तक अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने बच्चे, मेरे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, मेरे बच्चों का इससे क्या मुस्तकबिल वाबस्ता है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी ज़मीन, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मेरी इज्जत, हर वक्त उन्हें मेरी मेरी मैं, बस इस हद से तक उनकी सोच अपने ज़ात से आगे बढ़कर अपने अहलो याल और अपने बीवी बच्चे बस इस हद तक महदूद रहती है। और सारी ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत कुछ दिया होता है, अरबों और खरबों और करोड़ों की दौलत और जायदादें होती हैं, सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन अपनी औलाद, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, इससे आगे उनकी दौलत से किसी इंसान को कोई नफ़ा नहीं होता। और तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो ख़ुद गर्ज भी नहीं होते, असीर अहलो अयाल भी नहीं होते, अपने बीवी बच्चों के कैदी नहीं होते, और अपनी ज़ात और अपनी हद तक ही हमेशा उनकी सोच नहीं रहती,
बल्कि उनके दिलों में इंसानियत का दर्द होता है। लोगों के लिए वो जीते भी हैं और लोगों के लिए वो कुर्बानियां देने के लिए तैयार भी रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो तीसरी किस्म के लोग हैं, अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कुरान मजीद की इस सूरत में, सूरतुल बलद में, जिसका मैंने जिन आयात की तिलावत की, अल्लाह ने उन्हीं का ही तज़किरा किया कि माल कमाया खुद, मेहनत खुद की, लेकिन उस माल को अपनी इज्जत कमाने के लिए नहीं, दुनिया से दाद और दुनिया से शोहरत की वसूली के लिए नहीं, बल्कि वो माल को खर्च करते हैं गर्दनों की आज़ादी के लिए, यतीमों को सहारा देने के लिए, मिस्कीनों पर खर्च करते हैं। फरमाया ये बड़ी दुश्वार घाटी है, इस घाटी पे चढ़ना इतना आसान नहीं, लेकिन चढ़ता वही है जिसके दिल के अंदर ईमान होता है। ईमान हो तो फिर इन घाटियों को अबूर करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, इसके लिए इसलिए कि उसके अंदर ईमान मौजूद होता है। और अंबिया किराम, उनकी ज़िंदगियों को आप पढ़ के देखें, उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें, उनकी ज़िंदगियों के अंदर यही मिशन, यही मनहज, रब्बुल आलमीन ने जो सलाहियत दी, अल्लाह ने जो ताकत दी, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जिस नेमत से नवाजा, उनकी गर्ज ये नहीं होती सिर्फ मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा है, मेरे बच्चों को क्या फ़ायदा है, मेरी बीवी को क्या फ़ायदा है, बल्कि उनकी तड़प यही होती है कि लोगों को जहन्नम से मैंने बचाना कैसे है, लोगों को शिर्क की दलदल से निकालना कैसे है, मैंने शैतान की पूजा से निकाल के रहमान की बंदगी पे लाना कैसे है, जहन्नम में छलांगे लगाने वालों को पीछे से पकड़ पकड़ के और खींच खींच के जन्नत का राही बनाना कैसे है, लोगों की पूजा करने वाले, लोगों के सामने झुकने वाले, उनको रहमान के सामने मैंने झुकाना कैसे है, तड़प यही होती है। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ऐसे लोगों की पांच किस्में ज़िक्र करते हैं। फरमाते हैं जिन लोगों के अंदर ये तड़प हो, मैंने लोगों के काम आना है, लोगों की खिदमत करनी है, इंसानियत का भला करना है, मुझसे किसी को नफ़ा पहुंच जाए, फरमाते हैं उनमें पहली किस्म के वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह सुबहानहू व तआला ने माल दिया होता है, अल-मुवासातु बिल-माल, वो अपने माल को सिर्फ अपनी अयाशियों में नहीं, अपनी बदमाशियों और फहाशियों में नहीं, कि जहाँ शराब की महफ़िल है, जहाँ नाच गाना है, वहाँ चंद लम्हों में लाखों अरबों लुटा दे परवाही कोई नहीं, जहाँ इसकी वाह वाह और बल्ले बल्ले है, वहाँ जो मर्जी लुटा दे, वहाँ उसे कोई परवाह नहीं, नहीं, उनका माल वो खर्च वहाँ होता है जहाँ अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा हो, अल्लाह के बंदों को फ़ायदा हो, जहाँ ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हों। अल-मुवासातु बिल-माल, फिर जब इंसान इस सोच और फिक्र के साथ जीता है, फिर रब्बुल आलमीन उसके लिए खुशियों, राहतों के वो सामान पैदा करता है कि इंसान के लिए वो तसव्वुर दुनिया में करना मुश्किल है। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसका तजर्बा उसी इंसान को होता है जो अमली तौर पर इस मैदान में उतरता है। और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नमूना, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सही बुखारी की वो रिवायत बारहा आपने सुनी पड़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही उतरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो सैयदा खदीजा ने आपको हौसला दिया और क्या कहा, इन्नका लतहमिलुल कल व तकसिबुल मादूम व तकरिज ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल्ला वल्लाही ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदा, आप गमज़दा ना हों, आप परेशान ना हों, मेरा अल्लाह कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा, आप कभी नाकाम और नामुराद नहीं होंगे, आप इतने गमज़दा और परेशान ना हों, क्यों, इन्नका लतहमिलुल कल, आप तो दूसरों का बोझ उठाने वाले, तकसिबुल मादूम, मुआशरे के बेकस बेबस और लाचार किस्म के लोग, बेवा औरतें, यतीम बच्चे, मिस्कीन और बेसहारा लोग, आप तो उनके लिए कमाते हैं, आपको अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी बीवी के लिए नहीं, अपनी बच्चियों के लिए नहीं, तकसिबुल मादूम, तकरी ज़ैफ़, तुईन वाला नवाइबिल हक,
आपके अंदर अल्लाह ने वो औसाफ रखे हैं, इंसानियत का दर्द, लोगों की हमदर्दी, लोगों की खैरखाई, दूसरों के काम आना, दूसरों को नफ़ा पहुंचाना, मुझसे किसी का भला हो जाए, किसी को फ़ायदा पहुंच जाए। आप तो बेसहारा और बेआसरा लोगों के, जो मिस्कीन किस्म के लोग, जिनको लोग मामूली समझते हैं, घटिया समझ के धुतकार देते हैं, आप उनका बोझ अपने कंधों पे उठाते हैं, आप उनके दरवाज़ों पे दस्तक दे के उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आपको रब्बुल आलमीन कभी ज़ाया नहीं करेगा। और मैंने अर्ज़ किया कि ये तौफीक अल्लाह उसी को देते हैं जिसके दिल में जितना ज़्यादा ईमान होता है, उसी कदर वो आगे बढ़ के ये काम सारे अंजाम देता है। ये अल्लाह के नबी के पाँच वसफ़ जो सैयदा खदीजा ने बयान किए, सही बुखारी में बेआईन ही ये पांच वसफ जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार सैयदीना अबू बकर सिद्दीक के लिए इब्न दगीना ने बयान किए, जब अबू बकर मक्का छोड़ के जा रहे थे, कहा अबू बकर मैं काफिर हूँ, तेरा मज़हब और मेरा मज़हब एक नहीं, लेकिन तुझ में जो खूबियाँ हैं ऐसा इंसान उसे कभी यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मैं आपको पनाह भी देता हूँ, आपके लिए सहारा भी बनता हूँ। अबू बकर इस उम्मत में जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा के बाद सबसे अफजल इंसान अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन, और जज्बा यही था, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर का माल और अबू बकर का सब कुछ ये आपके लिए है, आप जहाँ चाहें खर्च करें। और सैयदा खदीजा ने भी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माल पेश किया था इस दीन की आबियारी के लिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने बड़ी अजवाज मुतहरात से नवाजा, सिद्दीका कायनात जैसी भी थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं भूले तो खदीजतुल कुबरा को नहीं भूले। और अगर किसी सहाबी के बारे में आपने कहा अगर मैंने सब के एहसानों का बदला चुका दिया है तो चुका दिया है, अगर नहीं चुका सका तो सिद्दीक अकबर के बदला नहीं चुका सका, उसका बदला मेरा खाल के अर्ज़ो समा ही देगा। वसफ़ क्या है, खूबी क्या है, अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं, अहले खाना की ही नहीं, हाँ इसका मतलब ये कतान कोई मत समझे कि अहले खाना के लिए मेहनत करना, उन पे खर्च करना ये नेकी नहीं है, लेकिन उनकी अयाशियों के लिए और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़िंदगी भर इंसान अपनी सोच को इसके इर्द गिर्द घुमाता रहे, ये कोई इंसानियत नहीं और ना ही अल्लाह के बंदों का ये सेवा होता है। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने माल तो अगरचे नहीं दिया लेकिन उनके पास ओहदा होता है, कोई अल्लाह ने उनको ओहदा सौंप दिया, वो अपने उस ओहदे को भी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, कि ओहदा तो मिल गया है अब मुझे किसी यतीम का माल भी हड़प करना पड़े, किसी कमज़ोर का खून चूसना पड़े, किसी ज़रूरतमंद के उसके मुंह से निवाला और लुकमा भी खींचना पड़े तो खींच लूँ, इसलिए कि मेरे पास ओहदा है, मुझे किसने पूछना है, मुझे कौन पूछने वाला है, मेरी तजोरियाँ भरनी चाहिए, मेरे घर वालों, मेरे बीवी बच्चों, मेरी औलाद, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी नस्लों के लिए कुछ बन जाए, उसको इससे कोई गरज नहीं होती कि मेरा ये ओहदा, ये तो अमानत है, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है और रब्बुल आलमीन ये ओहदे कभी भी ले लिया करते हैं। लेकिन जिनको अल्लाह तौफीक देते हैं वो अपने इन्हीं ओहदों को, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ओहदा अल्लाह ने दिया, मांग के लिया, लेकिन किस लिए, इसलिए नहीं कि यूसुफ को अपनी फिक्र थी, यूसुफ को तड़प थी तो इंसानियत की, कि कहसाली का एक सिलसिला है जिसको अगर कोई सही मानों में संभाल सकता है और इन अल्लाह की मखलूक के काम आ सकता है, ये प्लानिंग, ये सोच, ये फ़िक्र, ये पूरा एक निज़ाम और नज़म अगर कोई दे सकता है, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, आगे बढ़े, ओहदा लिया, लेकिन उस ओहदे को अपनी ज़ात के लिए नहीं, अल्लाह के बंदों के लिए इस्तेमाल किया। आज दुनिया फ़ारूक़ आज़म को जानती है, आज उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जानती है, अल्लाह ने ओहदे दिए, रात को उठ उठ कर गलियों में चक्कर लगाते हैं, मिंबर पे खड़े होकर
ऐलान करते हैं, फुरात के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर गया उमर को उसके भी जवाब रब की अदालत में देने का डर है। रात को उठते हैं, यतीम बच्चों को खाना खुद अपने हाथों से पका के उनको खिलाते हैं, उनको सुलाते हैं, बैतुल माल से बोझ उठा के अपनी कमर पर लाद कर बेवा औरतों और यतीमों के घरों में पहुंचाते हैं। गुलाम आगे बढ़ता है, अमीरुल मोमिनीन मेरी कमर पे लादो, कहा आज दुनिया में तो बोझ उठा लोगे, कल रब की अदालत में उमर का बोझ कौन उठाएगा। ये तड़प होती है, रब ने ओहदा दिया लेकिन उस ओहदे से अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की मखलूक को, इंसानियत को क्या फ़ायदा पहुँचता है। ये रब्बुल आलमीन उन लोगों को ये तौफीक देते हैं जिनके दिलों में ईमान होता है और इंसानियत का दर्द होता है। तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जिनको अल्लाह ने माल भी नहीं दिया, ओहदा भी नहीं दिया, लेकिन रब ने जिस्मानी तौर पर ताकत दी है, सेहतमंद हैं, मजबूत जिस्म है, आगे बढ़ के अपने जिस्म को, अपनी ताकत को अल्लाह की बंदों के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी कुव्वतों और ताकतों को सिर्फ इसलिए नहीं, मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरी इससे क्या गरज़ है, मेरे बच्चों का क्या फ़ायदा है। अल्लाह के नबी का किस्सा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से चले मदीन पहुँचे और कुएँ के पास बैठ कर जब ये नज़ारा किया, दो अल्लाह की बंदियां, दो बच्चियां बकरियों को रोक के खड़ी हैं। जनाब मूसा ने ये मंज़र देखा, उन बच्चियों से मूसा अलैहिस्सलाम को कोई गरज नहीं, ना अपने ज़ाती मफाद है, ना अपने अहलो अयाल की कोई फ़िक्र और उनसे उनके बारे में कोई उनसे उम्मीद है, बल्कि क्या किया, आगे बढ़े, उन बच्चियों के लिए कुएँ से पानी निकाला, पानी पिलाया, फसक़ा लहुमा, पानी पिला दिया, सुम्मा तवल्ला इला दिल, फिर दरख्त के साय में बैठकर उनको ये भी नहीं कहा। और यहाँ मैं ये बात कह दूँ, मेरे प्यारे भाइयों, सलफ़ तो यहाँ तक कहा करते थे कि वो बंदा जिसने किसी को अल्लाह के लिए दिया है वो उसको ये भी ना कहे मेरे लिए बख्शिश की दुआ करना, मेरे लिए अल्लाह से दुआएं करना, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमने तुम्हें दिया है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ना तुमसे कोई बदला चाहिए, ना तुमसे शुक्रिया के कलिमात चाहिए, अल्लाह के लिए दिया है, बदला भी मेरा अल्लाह देगा। जनाब मूसा ने पानी पिलाया, और यहाँ मैं ये बात भी कह दूँ, नाराज़ ना होना, आज ज़रूरत भी है कि आप तस्वीरें बनाएँ, लेकिन खुदारा रब्बे काबा की कसम, दिल खून के आंसू रोता है। वो इंसान जिसको रब्बुल आलमीन ने इज्जत की ज़िंदगी दी थी, जिसको रब्बुल आलमीन ने अपने घर के अंदर बादशाहत अता की थी, लाखों नहीं अरबों का मालिक था, आज वो बेचारा आसमानी और इस आफत की वजह से अगर वो रोड पे आ गया है, आप उसको हमेशा हमेश के लिए दुनिया के सामने भिखारी बना के ना पेश करो कि ये मांगत देते एक चावल की प्लेट हो और तस्वीर बना के शेयर करते हो। खुदा के लिए अल्लाह से डर जाओ, किसके लिए कर रहे हो, किसको दिखाने के लिए। मेरा अल्लाह ना उसे दिखाने की ज़रूरत है, ना उसे बताने की ज़रूरत है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो जानता भी है। रब्बे काबा की कसम, कितने ऐसे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बेटियों और बीवियों की इज्जत बचाने के लिए वो रोड़ों पे ऐसे भिखारी बन के नहीं बैठते, वो लंबी लंबी कितारों में खड़े होके नई तस्वीरें बनाते, वो लंबे लंबे राशन के पैकेज पे बैठकर अपनी तस्वीरें नहीं बनाते, 1-2 हज़ार का खेमा वसूल करने के लिए वो सामने खड़े होकर पिक्चरें नहीं बनवाते। वो कहते हैं भूख से मर जाएंगे, लेकिन ये जिल्लत गवारा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन बच्चियों की बकरियों को पानी पिलाया और क्या कहा, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, या अल्लाह मूसा के पास खाने के लिए कुछ नहीं, मूसा के लिए रहने के लिए घर नहीं, मूसा के पास कुछ भी नहीं, इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, या अल्लाह तेरी बंदियों की खिदमत की है तो तेरे लिए की है, फ़कीर तेरे दर का हूँ, इंतज़ाम भी तूने करना है, फिर वो मेरा अल्लाह कैसे नवाजता है। जनाब मूसा को रब्बुल आलमीन ने 8 साल के लिए बगैर किराए के रब ने रिहाइश भी दे दी, रब्बुल आलमीन ने मुलाजमत भी दे दी, रब्बुल आलमीन ने बीवी भी दे दी, और सबसे बढ़ के रब ने नबूवत का सर पे ताज भी सजा दिया। फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल,
रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है, आगे बढ़िए। अपनी इस कुव्वत और ताकत को, माल नहीं, ओहदा नहीं, जिस्म तो अल्लाह ने दिया है, इस जिस्म से अल्लाह की मखलूक को क्या नफ़ा पहुंचा सकते हैं जो आपकी ताकत है। अपनी कुव्वत और ताकत को बुरुए कार लाइए। मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा का यही मिजाज था, कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, जनाब अकील रज़ी अल्लाह तआला अन, मालदार सहाबा में नाम नहीं, कुछ भी नहीं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। सारी रात एक यहूदी के बाग में गए, सारी रात डोल खींच खींच के उसके बाग को पानी पिलाया, सुबह एक मुट्ठी खजूरें मिली, लाके मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में ढेर कर दी। मुनाफ़िकों ने ताना दिया, इस मुट्ठी खजूर से कहाँ तबूक फतह होगा। मेरे रब ने कहा, तुम इसे एक मुट्ठी समझ रहे हो, जिस रब के लिए दिया है वो एक खजूर को पहाड़ के बराबर बना देता है। अल्लाह तो दिलों की तड़प देखता है, दिलों के जज्बे देखता है और दिल में ईमान देखता है। रब्बुल आलमीन को ये मिकदारों की ज़रूरत नहीं, तुमने कितना दिया। अल्लाह एक रुपया देने वाले को एक लाख देने वाले से आगे अजर में बढ़ा देता है, जब दिल में ईमान हो, दिया अल्लाह की रज़ा के लिए और शौक, जज्बे और तड़प से दिया हो। रब्बुल आलमीन तौफीक नसीब फरमाए। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल मुवासातु बिन नसीहति वल इरशाद, चौथी किस्म के वो लोग होते हैं जिनके पास माल भी नहीं होता बसा औकात, ओहदा भी नहीं होता, जिस्मानी तौर पर भी बेचारे कमज़ोर से होते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन ने उनको नसीहत, इरशाद, लोगों की रहनुमाई, लोगों को सही रास्ता देना, लोगों को सही फिक्र देना, लोगों को सही तड़प और लोगों के दिलों में ईमान को उजागर करना, अल्लाह की तौहीद के रास्ते पे लगाना, सुन्नत की मोहब्बत दिलों में पैदा करना, वो अंबियाए किराम वाला मिशन कि लोगों को उनसे नफ़ा पहुंचता है, उनकी दावत के ज़रिए, उनके वाज़ के ज़रिए, उनकी नसीहत के ज़रिए, और ये भी वो फ़िक्र है, ये तड़प है जो अल्लाह ने नबियों को दी। जनाब नू अलैहिस्सलाम 950 साल कहते क्या है, दाऊ तो कौमी लैलम व नहारा, 950 साल कौम से कोई उजरत का मुतालिबा नहीं, दुनिया से और कौम से कोई लालच और तमा नहीं, लेकिन तड़प एक ही है, दिन भी रात भी सुबह भी शाम भी, दाऊ तो कौमी लैलम व नहारा, कि इन सब को मैंने अल्लाह की जहन्नम से बचाना है, रब का बंदा बनाना है, इंसानियत को इंसानियत का सबक पढ़ाना, लोगों को, इंसानों को इंसान बनाने के लिए अपने वाज़ और नसीहत के ज़रिए। और ये वो इंसान है जब रब की रज़ा के लिए करता है, तो फिर मेरा अल्लाह कहते हैं, मुअल्लिमिन नासिल खैर, लोगों को खैर की बात तूने बताई और मैंने ज़मीन व आसमान के 14 तबक को, आसमान की तमाम नौरानी मलाइका को, ज़मीन की तमाम मखलूकात को, समंदरों की मछलियाँ, बिलों की चींटियाँ, 14 के 14 तबक तेरे लिए अल्लाह से दुआएं करने पे लगा दिए, कि जिसने इंसानों को इंसान बनाया, इंसानियत का दर्स दिया, ज़िंदगी जीने का ढंग और सलीका सिखाया, अल्लाह की बंदगी का रास्ता बताया, लोगों को खैर का रास्ता बताया। अल्लाह फरमाते हैं, 14 के 14 तबक मैं उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआओं पे लगा देता हूँ। अल्लाह हमें तौफीक दे, किसी को ज़बान से कलिमा तो कह दें, किसी को खैर की बात तो कह दें, खुद अपने पास नहीं, उसको जानते हैं जो दे सकता है, जो कर सकता है, जिसके पास अल्लाह ने फराखी दी है, जाएं उसकी तरफ कदम उठा के आगे बढ़ें, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए। मुमकिन है आपकी ज़बान से निकले हुए चंद बोल उसके दिल पे असर कर जाएं, और रब्बुल आलमीन उसको तौफीक दे दे। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, जो किसी को खैर की बात बताता है, उसके कहने पे वो अगला अमल करता है, जब तक अमल होता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, अल्लाह बताने वाले को भी बराबर अजर व सवाब से नवाजते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास माल भी नहीं, ओहदा भी नहीं, जिस्मानी ताकत भी नहीं, तकरीर नहीं कर सकते, वाज नहीं कर सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते। फरमाते हैं, बिस दुआ ही वस्तिगफारिलहुम, एक काम वो भी कर सकते हैं,
अल्लाह के सामने बैठकर अपने उन मजबूर भाइयों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, मुसीबत में घिरे हुओं के लिए, आजमाइशों में और गमों और परेशानियों में मुब्तला लोगों के लिए अल्लाह के हुजूर बैठकर उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं, बिद्दुआई वस्तिगफारी लहुम, उनके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह उनको मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें भी मुआफ़ फरमा दे। और अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से कहा था, मेरे सहाबा लअल्लकुम तुनसरून व तुरज़कून बिज़ुआफ़ाइकुम, याद रखो अल्लाह जो तुम्हें रिज़क दे रहा है, अल्लाह जो तुम्हारी मैदान जिहाद में मदद करता है, बसा औकात ये होती ही उन लोगों की दुआओं की वजह से है जो पीछे बैठ के तुम्हारे लिए दुआएं करते। और अल्लाह के रसूल की यही तालीम थी कि मेरे सहाबा जब अव्वल नहार में मैदान के अंदर उतरो, लड़ाई ना हो तो फिर जब दिन चढ़ जाए फिर लड़ाई ना करो, इंतज़ार करो, जब सूरज ढल जाए फिर लड़ाई शुरू करो। क्यों? कि मुसलमान अपने मुजाहिदीन के लिए इन नमाज़ों में दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं की वजह से उनको फतह नसीब फरमाते हैं। रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्ला बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं, इन कदा या हवाइज الناس لذ لا يعرفها الا من جربها। लोगों, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर इंसान ही जीता है, लेकिन वो इंसान जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करता है, अल्लाह के बंदों की ज़रूरत पूरी करने के बाद इंसान को जो लज्जत नसीब होती है, ये वही इंसान जानता है जो अमली तौर पर इसका तजुर्बा कर चुका हो। और आगे फरमाते हैं, अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, आगे बढ़ के अल्लाह के बंदों के लिए उसको बरूए कार लाओ, तुम्हें क्या खबर कौन सी तुम्हारी नेकी तुम्हें जन्नत तक पहुंचाने वाली बन जाए, तुम नहीं जानते। और अल्लाह के रसूल ने यही कहा था, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्के तमरा, लोगों, खजूर के एक टुकड़े देकर भी जहन्नुम की आग से बच सकते हो तो बच जाओ। क्या खबर कि इम्तिहान में कौन सा नंबर आपको कामयाबी दिलवाने का सबब बन जाए। वो एक नंबर ही होता है, जब कम हो जाए तो आप फेलों में शामिल हो जाते हैं, और एक नंबर ही होता है, जब वो मिल जाए तो आप पास बन जाते हैं। क्या खबर कौन सी नेकी जिसका अल्लाह ने मौका दिया और तूने ठुकरा दी, परवाही ना की, क्या खबर वही नेकी तुझे अल्लाह का कुर्ब दिलाने का जरिया होती और जन्नत का राही बनाने का सबब होती। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन नफ़सा मुमिनिन कुर्बा नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा, जो कि अल्लाह के बंदों से एक तकलीफ़ को दूर करता है, मेरा अल्लाह कल क़यामत वाले दिन की मुशक्क़तों और बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में से अल्लाह उसकी तकलीफ़ों को दूर करेगा। जो अल्लाह के बंदों की मदद में रहता है, मेरा अल्लाह उसकी मदद में रहता है। और इमाम इब्ने क़य्यम रहमहुल्ला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पे अल्लाह करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, क्या बसीरत अल्लाह ने अता फरमाई थी। कुरान और सुन्नत पर एक नज़र डालने के बाद एक खूबसूरत और जामे तज़िया करते हैं, कहते हैं, ए अल्लाह के बंदो, याद रखो मेरे अल्लाह का ये कानून है। कुरान और सुन्नत पर नज़र डालने के बाद समझ आती है, जो रवैया तो अल्लाह के बंदों से इख्तियार करेगा, मेरा अल्लाह तेरे साथ वही सलूक करेगा। मन रफ़ा कभी इबादी रफ़ा अल्लाह भी, जो अल्लाह के बंदों पे नरमी करता है, अल्लाह उस पे नरमी करते हैं। जो अल्लाह के बंदों पे रहम करता है, अल्लाह उस पे रहम करते हैं। जो अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करता है, मेरा अल्लाह उस पे एहसान करते हैं। जो अपनी खैर दूसरों तक पहुंचाता है, मेरा अल्लाह उस तक खैर को पहुंचाते हैं। जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है, मेरा अल्लाह उसकी मदद करता है। जो काम तो अल्लाह के बंदों के साथ करेगा, मेरा अल्लाह वही सलूक तेरे साथ करेगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही बुखारी की रिवायत, एक शख्स अपने बेटों को कहता, तंग दस्त हो मोहलत दे देना, ना दे सके माफ़ कर देना। जब रब की सामने हाजिर हुआ, देखा गया कोई नेकी नहीं, सिर्फ यही नेकी है, मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरी मखलूक पे रहम करता था, लोगों के लिए आसानियां करता था, लोगों को माफ़ कर देता था, आज मैंने भी इसे माफ़ कर दिया और जन्नत का राही बना दिया।
अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिन अफ़ज़लिल आमाल, मिन अफ़ज़लिल आमाल, लोगों जितने भी अमल करते हो उन आमाल में से अफजल तरीन अमल इदखालुस सुरूर फ़ी क़ल्बि मुस्लिम, आप कोई ऐसा काम करो, आप कोई ऐसा जुमला बोलो, आप कोई ऐसा कदम उठाओ, आप कोई ऐसा काम करो जिससे किसी मुसलमान के दिल में अल्लाह खुशी पैदा कर दे। फरमाया तुम्हारा ये अमल अफजल तरीन आमाल में से होगा जिससे किसी मुसलमान के चेहरे पे मुस्कराहट आ जाए, किसी आँख में बहने वाला आंसू रुक जाए और अल्लाह उसको चंद लम्हों के लिए खुशी दे दे। फरमाया ये तुम्हारे अफजल तरीन आमाल में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअन अमशिया मा अखिल मुस्लिम फ़ी हाजतिही अहब्बु इलैया मिन अन अअतकिफ़ फ़ी हाज़ल मस्जिद शहरन। मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, मैं किसी मुसलमान के साथ चलूँ चंद कदम और जाके उसकी ज़रूरत पूरी करवा दूँ। फरमाया मुझे ये काम ज़्यादा महबूब है इस बात से कि मैं मस्जिद नबवी में एक महीना एतिकाफ़ बैठ जाऊँ, एक महीना एतिकाफ़ मस्जिद नबवी में। मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जहाँ एक नमाज आम मसाजिद में हज़ार नमाज से बेहतर, जहाँ रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा, रौज़ा तुम मिर रियाज़िल जन्ना। अल्लाह के महबूब फरमाते इस मस्जिद के अंदर एक महीना एतिकाफ़, एतिकाफ़ का मतलब ये है कि एक महीना दुनिया से कट के अल्लाह का होके रह जाना, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लम्हा लम्हा अल्लाह की इबादत में बसर कर देना। फरमाया मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं किसी मुसलमान ज़रूरतमंद के साथ चंद कदम जाऊं और उसकी ज़रूरत पूरी करवा दूं, ये मुझे ज़्यादा महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अनज़र मुअसिरन औ वदा अनहु अज़ल्लाहुल्लाहु फ़ी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। आज ये सूरज की गर्मी जो पता नहीं कितने अरबों खरबों मील दूर बर्दाश्त नहीं होती, एसी बंद हो गया, पंखा बंद हो गया, लाइट चली गई, जनरेटर नहीं, यूपीएस नहीं, बेबस हो जाता है, तड़पने लग जाता है। मेरे प्यारे भाई, एक लम्हा वो आने वाला है कि जब दुनिया अपने पसीने में डूबी होगी, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का नाफ तक, किसी का मुंह में लगाम डाल रहा होगा, कोई अपने पसीने में डूब रहा होगा, गोते खा रहा होगा, वहाँ वो इंसान भी होगा जिसे अल्लाह अपने अर्शे अजीम का साया नसीब फरमाएंगे, जहाँ कोई साया नहीं। फरमाया ये वो इंसान होगा जिसने इंसानियत का दर्द अपना दर्द समझा, अल्लाह के बंदों पे खर्च किया। लेकिन किस तरह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अपने दाएं हाथ से खर्च किया और बाएं को भी नहीं पता कि इसने क्या दिया है। मन तसद्दक बिसदका फअख्फाहा हत्ता ला तअलम शिमालु मा तुनफिकु यमीनु। दाएं हाथ ने दिया, बाएं को भी नहीं खबर क्या दिया है, मेरा अल्लाह जानता है। उस वक्त इसे साया नसीब फरमाएगा जब अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, रब्बे काबा की कसम, सलफ़ अपनी नेकियों को छुपाया करते थे, नेकी करके वो छुपाते किसी को पता न चले। आज अल्लाह सुबहानहू व तआला हमारी हालत पे रहम फरमाए। अल्लाह के अजाब ऐसे नहीं आते, अल्लाह की गिरफ्त ऐसे नहीं आती। वो नेकियां करके छुपाते थे और हम, अल्लाहु अकबर, एक रिया का दर्जा तो ये होता है ना कि इंसान ने नेकी की नहीं और नेकी करे और दिखलावे के लिए, और एक दर्जा ये भी होता है कि नेकी की नहीं, नेकी दिखाए, और तीसरा दर्जा ये होता है कि करता गुनाह है दिखाता नेकी है, करता गुनाह है दिखाता नेकी है। आज हम तो इस दर्जे पे खड़े हैं, लोगों से लूट मार और छीना झपटी, और इस दौर में भी जब इंसानियत इस हालत में है, मासूम बच्चे घास खाने पे मजबूर, वो नौजवान अल्लाहु अकबर, जिनकी जवानियां अपने आप को क्या समझते थे, वो आज किस कदर बेबसी के आलम में, वो माएँ जो अपने बच्चे की मामूली सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाती,
जब उनके सामने वो बच्चे बिलक बिलक के और रो रो के सारी सारी रात और सारा सारा दिन, जिनको लाशें छुपाने के लिए खुश्क जगह नहीं मिलती, जिनको जनाजा पढ़ने के लिए खुश्क ज़मीन नहीं मिलती, ऐसे इंसानों पर भी वो दरिंदे और जालिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत नसीब फरमाए अगर मुकद्दर में है तो, उनके मुंह से भी जाके छीनने वाले, उन पर भी जाके जुल्म करने वाले और उनका बचा खुचा भी लूट के ले जाने वाले, उनको भी नशे दे के उनकी इज्जतों पे हाथ डालने वाले, वो मेरे प्यारे भाइयों मर गई इंसानियत। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था, जब दाएं हाथ से दिया है तो बाएं को भी खबर नहीं, मेरा अल्लाह अर्श अज़ीम का साया नसीब फरमाएगा। रब्बुल आलमीन हम सब को तौफीक दे। और सबसे मुश्किल मरहला जब पुल सिरात को क्रॉस करना होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मम मशा माखी ही फी हाजती, जो बंदा दुनिया में चलता है किस लिए, अपनी ज़ात के लिए तो हमेशा चलता है, अपने बच्चों बीवी के लिए घर वालों के लिए तो भाग भाग के जाता है, फरमाया जो चला अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदों के लिए चंद कदम, क़यामत वाले दिन जल पुल सिरात पे कदम डगमगा रहे होंगे, यूस बिताहा हत ही न तजिल्लुल अक़दाम, जब लोगों के कदम डगमगा रहे होंगे जिसने अल्लाह के बंदों के लिए कदम उठाए होंगे, मेरा अल्लाह उस वक़्त उसके कदमों को पुल सिरात पे भी साबित कदम रखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, सलफ़ सालिहीन का मिजाज ही अजीब था। आज ज़रूरत है इस बात की कि हम थोड़ी अपनी सोच को बुलंद करें, सिर्फ ख्वाहिशात को नहीं, मैं तो ये कहूँगा अल्लाह की कसम, ज़रूरत है कि हम अपनी ज़रूरतों को भी महदूद करें, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी जिसको क्लोज कर सकते हैं करें, और वो नमूने और वो दास्तानें रकम करें जो नबी के यारों ने और सच्चे ईमान वालों ने सहाबा किराम ने की थी। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लअन अऊल अहल बैतिन मिनल मुस्लिमीन, फरमाते हैं मैं एक मुसलमान घराने की किफालत करूं, शहरन औ जुमुआ, एक महीना एक घराने की किफालत कर लूं, या एक हफ़्ता एक घराने की किफालत कर लूं, और मुझे ये कितना महबूब है, सैयदिना अब्दुल्ला बिन अब्बास फ़कीह हादिहिल उम्मा मुफस्सिर कुरान क्या कहते हैं, अहब्बु इलैया, मुझे ये ज़्यादा महबूब है, मिन हज्जतिन बाद हज्जा, मैं हज पे हज करता जाऊँ, हज पे हज करता जाऊँ, इसके मुकाबले में एक मुसलमान ज़रूरतमंद घराने की खिदमत और उनकी ज़रूरत को एक हफ़्ता या एक महीना पूरे कर लेना, ये मेरे नज़दीक हज पे हज और पैदर पे हज करने से मुझे ज़्यादा महबूब है। और याद रखें, अभी तो हर बंदा ही कर रहा है, इसलिए कि नया नया काम है, हर बंदा ही कोशिश कर रहा है अपनी ताकत के मुताबिक, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, उनको सिर्फ चंद दिनों की ज़रूरत नहीं, ये याद रखें, अभी जब पानी उतरेगा, अभी तो पानी इतना बढ़ रहा है, अब तो तबाही आगे से आगे, जब पानी रुकेगा, थमेगा, कम होगा, वो लोग अपने घरों को पलटेंगे, जिनके घर नहीं होंगे, जिनकी फसलें नहीं होंगी, जिनके पास छुपाने के लिए सर कुछ नहीं होगा, जानवरों को कुछ खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा, अपनी और अपने बच्चों का पेट की आग बुझाने के लिए कुछ नहीं होगा, मेरे प्यारे भाइयों, उनकी ज़िंदगी को रवां करना और कम अज़ कम कि वो ज़िंदा रह सकें उस हद तक भी उनकी ज़रूरत और मदद करना, ये बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होगी कि एक अरसे तक उनको बहाल करने के लिए, याद रखें हम कुछ नहीं कर सकते, इतनी बड़ी आफत के मुकाबले में जो कर सकता है मेरा अल्लाह ही कर सकता है, लेकिन अपने हिस्से की हम शमा तो जलाएं, अल्लाह के हाँ उज़र तो पेश कर सकें, या अल्लाह जितनी मेरी ताकत थी मैंने किया, क्यों अल्लाह की बारगाह में कल सवाल होना है। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरा अल्लाह पूछेगा, एबना आदम इस्ततअम तु कफलम तुतइमनी, ए आदम के बेटे मैं भूखा था, मैंने तुझे आवाज़ दी खाने के लिए, तूने मुझे खाना नहीं दिया। बंदा कहेगा, अल्लाह मैं तुझे कैसे खिला सकता हूँ, तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएंगे, मेरा फलां बंदा ज़रूरतमंद था, भूखा था, वो पुकारता रहा, अगर तू उसके मुँह में निवाला डालता तो आज मेरी रहमत और मदद को पाता और मुझे उसके पास पाता, मेरा बंदा प्यासा था, तूने उसे पानी नहीं पिलाया,
मेरा बंदा मरीज था, बीमार था, तूने उसकी तीमारदारी नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे भाइयों, सलफ़ सालिहीन उनका मिजाज क्या था? कुछ नहीं कहते, मुझे नाम लिखवा जाओ, जब मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हारे दरवाज़े पे चल के जाके तुम्हारी ज़रूरत पूरी करके आऊँगा। और अल्लाह के रसूल के सहाबा ने तो वो नमूने भी पेश किए कि जब अल्लाह के रसूल के का एक मेहमान मस्जिद में आया, ज़रूरतमंद था, आपने अपने घर में पैगाम भिजवाया, उम्मुल मोमिनीन ने की तरफ से जवाब आया कि ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर में सिवाय पानी के और कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे सहाबा कौन है जो इस मेहमान की मेहमान नवाजी करे। एक अंसारी सहाबी उसे घर ले गए, बीवी से जाके कहा, अल्लाह की बंदी कुछ है? कहा, सिवाय रात का बच्चों का खाना, इसके अलावा घर में कुछ नहीं। कहा, फिर आज एक नेकी करनी है, अल्लाह के रसूल का मेहमान है, आज मैं भी भूखा, तू भी भूखी, हमारे बच्चे भी भूखे, सब भूखे सोएंगे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान आज खाएगा। तरीका ये होगा, जब खाने के लिए बैठें तू खड़े होना, ओमी फातफी सिराज, उठना और ऐसा से चराग बुझा देना, हम साथ बैठेंगे, एहसास दिलाएंगे कि खा रहे हैं, खाएंगे नहीं। किस लिए? कि अल्लाह का मेहमान, अल्लाह के रसूल का मेहमान सैर हो जाए। रब्बुल आलमीन को यह मंज़र इतना पसंद आया, अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। नबी के यार अपनी ख्वाहिशों को सिर्फ कुर्बान नहीं करते, ज़रूरतमंद होके, मोहताज होके, बीवी भूखी, खुद भूखा, बच्चे भूखे, सब भूखे रहकर भी दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देने वाले, इसे ईसार कहते हैं, इसे हमदर्दी कहते हैं, इसे लोगों के लिए जीने का ढंग और मिफ्ताहुल खैर कहते हैं। रब्बुल आलमीन हमें भी ऐसी तौफीक नसीब फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब मदीने आए, बाज वो भी थे जिनके पास कुछ नहीं था, साद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन, मारूफ किस्सा, क्या कहा, अब्दुर्रहमान मेरे भाई हो और अंसार जानते हैं मुझसे बढ़ के इस वक्त अंसार में मालदार कोई नहीं, सबसे अमीर तरीन घराना साद बिन रबी का। कहा, अब्दुर्रहमान जितनी जायदाद है दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, आधी के तुम मालिक, आधी का मैं मालिक। दो बीवियाँ हैं, देख लो, जो पसंद आए अब साद उसे तलाक देगा, इद्दत गुजरने के बाद उससे शादी कर लेना। मेरे प्यारे भाइयों, इसे हिसार कहते हैं। मैं और आप, अल्लाह ने बहुत दिया है, सब कुछ दिया है, चंद दिरहम देकर, चंद दिनार देकर, चंद टके देकर, चंद रुपए देकर, एक आधी चादर देकर, एक आधा खेमा देकर, बड़े आराम से बैठे हैं, मैंने अपने हिस्से का हक अदा कर दिया। मेरे प्यारे भाई, वक़्त गुजर जाएगा लेकिन मेरा अल्लाह भी देख रहा है, मैंने और आपने इस मौके पर क्या किया, मेरे और आपके अंदर तड़प और जज्बा कितना था, हिम्मत क्या थी। और अगर कुछ भी ना हो, नीयत ही खरी हो, मेरा अल्लाह खरी नीयत पे भी सब कुछ नवाज देता है, लेकिन नीयत तो खरी होनी चाहिए, कोशिश और तड़प तो हो। रब्बुल आलमीन तौफीक नसीब फरमाए। और खाल के अर्ज़ो समा हमारे उन मुसीबत में घिरे हुए भाइयों का हामियो नासिर हो, अल्लाह उनकी हिफाजतें फरमाए, अल्लाह उनकी इज्जतों की हिफाजतें फरमाए, उनकी औलादों की हिफाजतें फरमाए, उनके मालों की हिफाजतें फरमाए, अल्लाह उनके जो फौत हो गए उनको शहादत के रुतबे नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। और खाल के अर्ज़ो समा हम सबको मुआफ़ फरमा दे, हमारी औलादों को मुआफ़ फरमा दे, हमारे वालिदैन को मुआफ़ फरमा दे। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।